मां मरियम समय समय पर जगह जगह पर दर्शन देकर अपने संतानों को ईश्वर की ओर वापस लौटने के लिए, ईश्वर के पास वापस लौटने के लिए आह्वान करती आ रही है। उनमें से भारत देश में एक विशेष स्थान है और वो स्थान तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थापित वेलांगन्नी नामक जगह है। हम हमारे मुक्ति इतिहास में देखते हैं कि ईश्वर समय समय पर स्वर्गदूतों को या कुछ विशेष व्यक्ति को भेजकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। अभी जब यीशु के आने के बाद हम देखते हैं कि ईश्वर यीशु की मां को दुनिया में समय समय पर जगह जगह पर भेजकर हम जो उनकी संतान उनसे दूर चले गए हैं हमें अपने पास वापस बुलाते रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्थानों को हम कलीसियाई इतिहास में देख सकते हैं। और इसका महत्व क्या है? हम जब मां मरियम के बारे में सुनते हैं हम सोचते हैं कि उनका कार्य यीशु को जन्म देने के साथ समाप्त हो चुका है, अभी उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, ना केवल हमारे साथ उनका मिशन कार्य ही समाप्त हो चुका है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, यह गलत विचार है। कलीसिया जो स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है वो केवल इस दुनिया में जीवित लोगों के द्वारा ही या उनके साथ ही या उनके माध्यम से ही जीवित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम सभी प्रभु यीशु के साथ जोड़े जाकर कलम किए जाकर हम उनके साथ एक हो चुके हैं। तो आज हम जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं हम भी उस शरीर के अंग हैं, और जितने लोग हमसे पहले इस धरती पर रहकर इसी अनुग्रह को प्राप्त करके आज स्वर्ग में विराजमान हैं, उन लोग भी इसी कलीसिया के सदस्य हैं, और कुछ लोग शोधाग्नि में हैं जहां उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। जो पूर्वज या जो संतगण मां मरियम के साथ जो आज स्वर्ग में है ईश्वर के सानिध्य में उनकी उपस्थिति में वे आज हमारी मदद करते हैं, तो इसमें मां मरियम की भूमिका अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ईश्वर अपने पुत्र की मां मरियम को समय समय पर जगह जगह पर भेजते हैं। तो उनमें से एक स्थान है जैसे मैंने कहा तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले में वेलांगन्नी नामक पुराने समय का एक छोटा सा गांव। आज हमारे भारत देश में हम ख्रिस्तियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां ना केवल ख्रिस्तीय लोग अक्रिस्तीय सभी धर्म के सभी जाति के लोग और विदेश से भी लोग यहां मां का दर्शन करने और उनके द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करके अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्थान आते हैं। तो आइए हम इस जगत की विशेषता में सबसे पहले मां मरियम के दर्शन के बारे में हम जानेंगे। इतिहास हमें बताता है कि मां मरियम तीन बार वेलांगन्नी में दर्शन दी है। सबसे प्रथम 1550 में एक लड़के को जो सुबह सुबह अपने मालिक के घर दूध लेकर जाता था उस लड़के को दर्शन दिया। वो घटना इस प्रकार घटित हुई, हर दिन के समान वो छोटा सा लड़का, जैसे हम जानते हैं पुराने जमाने में ज्यादा मटके का उपयोग किया जाता था, वो मटके में दूध रखकर अपने सिर में रखकर वो चल रहा था, उसको ज्यादा दूर जाना पड़ता था, तो रास्ते में ही उसको एक प्रकार से थकान लगा, तो एक पेड़ के नीचे मटके को उतार कर रखकर वो थोड़ा सा सो गया। जब उसकी नींद खुलती है वो अपनी आंखों के सामने एक महिला जो अपने गोदी में एक बालक को रखी है उसको देखता है और वो डर जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप इस धरती की कोई महिला के समान नहीं था। उसको देखकर इसको बहुत ही डर लगा।
लेकिन वो महिला कही, बेटा मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। और ये लड़का कुछ भी सोचे बिना उस बच्चे को दूध पिलाया और वो महिला ओझल हो गई। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया। अभी वही मटका अपने सिर पर दोबारा वापस रखकर मालिक के घर की ओर निकल पड़ता है। और जब वहां मालिक के घर पहुंचता है, मालिक की पत्नी और मालिक वहां इंतजार करते रहते हैं, लड़के को देखकर चिल्लाते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुका रहता है। और मालिक की पत्नी देखती है कि मटके में दूध बहुत कम है, तो इस बच्चे को डांटने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम हमारे हिस्से का दूध किसको बेच दिया। तो ये लड़का जो घटना घटित हुई उसका वर्णन करता है, लेकिन मालिक विश्वास नहीं कर सकता, वो विश्वास नहीं कर पाता है। तो कहता है कि चलो मुझे भी उसका दर्शन कराओ। तो दोनों और गांव के लोग सब उनके पीछे चल पड़ते हैं, सब दौड़ पड़ते हैं वास्तव में। और वहां जाने के बाद ये लड़का चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है मां कहकर, और हम देखते हैं कि मां पुनः दर्शन देती है और उन लोग सब विश्वास करने लगते हैं। और मैं आपको एक जानकारी दूं, उनमें कोई भी ख्रिस्तीय नहीं था। इन अक्रिस्तीय लोगों को सबसे पहले मां मरियम वेलांगनी नामक उस छोटे से गांव में इस दूध बेचने वाले बालक के द्वारा अपने आप को प्रकट की। और जहां मां मरियम दर्शन दी थी उस जगह को आज भी हम वेलांगनी तीर्थ स्थल में हम पा सकते हैं। वहां यदि आप जाएंगे तो जो मेन चर्च है उसके उल्टा दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में यदि आप देखेंगे, वहां एक छोटा सा एक स्थान है जिसको मादाकुलम कहा जाता है, तमिल में, अंग्रेजी में अवर लेडीज टैंक कहते हैं, जहां आज एक छोटा सा मंदिर है मां मरियम के आदर में, एक चर्च है। और उस जगह को आज भी हम देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। आइए हम दूसरे घटने में जाते हैं। दूसरा घटना 1600 ईस्वी में घटित हुई और इस घटना इस प्रकार हुई। एक गरीब विधवा अपने बच्चे के साथ जो लंगड़ा रहता है उसके साथ मिलकर छाछ बेचने जाया करती थी। और हर दिन ये अपने इस लंगड़े बच्चे को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठाकर वहां छाछ रखकर वो लकड़ी ढूंढने चली जाती थी। और उस दिन भी वैसे ही की, और वहां वो लंगड़ा लड़का बैठकर छाछ बेच रहा था। और अचानक एक महिला अपने हाथ में अपने बेटे को लिए, छोटे से बच्चे को लिए वहां उसके सामने उपस्थित हो गई, दिखाई दी। और ये लड़का डर गया, कांपने लग गया। और वो मां इस लड़के से छाछ मांगती है अपने बच्चे को पिलाने के लिए। ये लड़का भी दे देता है। और पहली बार ये मां अपने आप को प्रकट करती है और कहती है, आप पड़ोस में रहने वाले नागपट्टिनम जगह जाओ, वहां जाकर एक कैथोलिक विश्वासी है उसके पास जाकर उससे कहो, नडुतिट्टु जगह का नाम है, यहां पर मेरे लिए एक चर्च बनाए। और ये लड़का रोने लगता है। वो पूछती है, क्यों रोते हो? वो कहता है, मां आप भी मेरा हंसी उड़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा है और आप उनसे कह रही हैं कि आप दूर जाकर नाहरपट्टनम जाकर वहां इस कैथोलिक व्यक्ति के पास जाकर मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए कहो, मेरे लिए चर्च बनाने के लिए कहो। ये उनका आदेश था। ये लंगड़ा लड़का कैसे जाता उतना दूर, इसलिए वो भी रो लिया। लेकिन वो अपने पैर की ओर नजर डाला, देखा उसका पैर ठीक हो चुका रहता। तो वेलांगनी में घटित हुई ये चमत्कार, ये लंगड़ा लड़का ना केवल चलता है बल्कि दौड़ने लगता है, दौड़ कर जाता है नागपट्टिनम, वहां जाकर उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास मां मरियम उसको भेजी थी, और जाकर इस घटने के बारे में वर्णन करता है। और वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसी जगह पर आकर मां मरियम के नाम पर
एक कुटिया के रूप में छोटा सा एक चर्च बनाता है। जैसे आप पुराने जमाने में यदि आप इतिहास को लेकर देखें, साउथ में नारियल के पत्ते से बनाया हुआ घर लोग बनाया करते थे, वैसे ही उसी का उपयोग करके उन लोग मां मरियम के नाम पर एक चर्च बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि हम देखें, वो घटना घटित हुई 8 सितंबर 1650 को घटित हुई। इस घटना में हम देखते हैं कि पोर्चुगीज या पुर्तगाली के कुछ लोग नाव पर सवार होते हुए व्यापार के लिए निकले हुए रहते हैं। और आपको ज्ञात होगा समुद्र में उन दिनों यात्रा करने का मतलब खतरा का खेल था, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 100% जिस दिशा की ओर, जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उन लोग वहीं पहुंचे, क्योंकि उन दिनों इंजन नहीं था, उसका आविष्कार नहीं किया गया था। तो ये हवा जिस दिशा बहती है उस दिशा में नाव जाता था, और आंधी तूफान की तो कोई गिनती ही नहीं। और पानी के अंदर यात्रा करने का मतलब, समुद्र में यात्रा करने का मतलब, आप चारों दिशा देखेंगे केवल पानी ही पानी दिखेगा। इस प्रकार की उस चुनौतीपूर्ण यात्रा में ये विशेष व्यक्ति लोग जिनके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, उन लोग एक जहाज में यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच समुद्र में आंधी तूफान आई। आंधी तूफान आने का मतलब समुद्र का पानी सब जहाज के अंदर भरने लगा, और इन लोग सब उसको खाली करने लगे, लेकिन कितना खाली कर, लगभग डूबने डूबने को हो गए। और उनके पास एक ही रास्ता था, तो जहाज के अंदर मां मरियम की एक प्रतिमा थी। उन लोग सब दौड़कर मां मरियम की प्रतिमा के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किए और मां से कहे, मां हमें बचा, और हमें बचाकर जिस तट पर हमें ले जाए हम आपके सम्मान में एक चर्च बनाएंगे। और इतिहास गवाह है कि इन पुर्तगीज यात्रियों को मां मरियम वेलांगनी के उस समुद्र के तट लेकर आई थी जहां 50 साल पहले जो छोटा सा चर्च बनाया गया था नारियल के पत्ते से, उस जगह लेकर गए। और जब ये पुर्तगीज यात्री लोग उस चर्च को देखे, इन लोगों को समझ में आया कि मां का कार्य था। और उन लोग आकर जैसे वे मां मरियम से वादा किए थे, अपने वादे को पूरा करते हैं और चर्च बनाते हैं। और उस जहाज का जो खंबा रहता है वास्तव में, उस खंबे को उन लोग उस चर्च के पास गाड़ कर उसी पर झंडा फहराए। आज भी वो खंबा वहीं पर खड़ा है और उसी पर हर साल झंडा फहरा कर मां मरियम का त्योहार सितंबर महीने में मनाया जाता है। ये चमत्कार केवल उन दिनों होकर समाप्त नहीं हुए हैं, आज भी यदि आप वहां वेलांगनी में जाएंगे, वहां एक विशेष जगह रखा गया है टेस्टिमनी के लिए, जहां निस्संदान लोग जो संदान पाए हैं उन लोगों का साक्ष्य देख सकते हैं, और बीमारी से जो छुटकारा पाए हैं उन लोगों का साक्ष्य देख सकते हैं, और तरह तरह के साक्ष्य आप वहां देख सकते हैं। और हमारे जीवन में भी हर दिन ये चमत्कार होते रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका ये जो वेलांगनी मां के बारे में, उस जगह के बारे में और उस जगह की विशेषता के बारे में जो हम सुने हैं और देखे हैं, ये जरूर आपको छुआ होगा। और हम मां मरियम के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना वेलांगनी में घटित हुई, वैसे हमारे जीवन में घटित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम विश्वास करें कि मां मरियम हमारे साथ है। हम इस दुनिया में अकेले यात्री नहीं, बल्कि हमारे साथ मां मरियम, संतगण, स्वर्गदूतगण सब हमारे साथ है, ताकि हम सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जी सके। आइए हम सभी मां मरियम और सभी संतों के संरक्षण में रहकर और उनके साथ हमारे ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा को
और आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में जरूर माँ वेलांगनी का दर्शन पाकर अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव जरूर आप करेंगे।